ऐसा क्यों हो गया है कि बॉलीवुड के घटिया लॉजिक्स में बोर करने के बाद साउथ इंडस्ट्री को ही हमारा मूड फ्रेशनर का काम करना पड़ रहा है। देखो यार, ऐसा बात की जाए तो बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ रही हैं वो हमें अधिकतर बोर करने वाली होती हैं, इतना घटिया लॉजिक देने वाली होती हैं कि हमें खुद पर बिलीव नहीं होता है। उसके बाद वहीं पर काम करते हैं कि साउथ की मूवीज़ हमें वो अच्छा खासा मज़ा देती हैं जो बॉलीवुड की मूवीज़ हमें चाह कर भी नहीं दे पाती हैं। तो बात कहाँ पर अटकती है? देखो, हाल ही में रिलीज हुई दो मूवी कार्तिकेय 2 और सीतारामम, मतलब दो ऐसी मूवीज़ जिन्हें हमें जो इन्जॉय करने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं बॉलीवुड की तरफ तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि लॉजिकलेस मूवीज हमें देखना पसंद क्यों करें यार? क्योंकि इतना इतना मतलब बिजी लाइफ में अगर हम अपना वक्त निकाल कर कोई मूवी देखने जाते हैं और वो हमें बोर करती है तो देखने का मतलब क्या ही बनता है? देखा जाए तो हाल ही में रिलीज हुई समसेरा घटिया लॉजिक, घटिया VFX और हमें मूवी बिल्कुल बकवास लगी। फिर से रिलीज होती लाल सिंह चड्ढा, जिसका मतलब बनाना ही बेकार है। फिर आती रक्षाबंधन, पुराने 80 के दशक के ज़माने का लॉजिक आप उठा के 2022 में भी पकड़ा रहे हो, छिपा रहे हो, क्या ही मज़ा आएगा? कल भी रोए थे, आज भी रोए हैं, कल भी रोना पड़ेगा उसी मूवी को देख कर। वो तो सबको बताया भाई साहब, लॉजिक कहाँ पे है? वहीं पे लॉजिक निकल के आता है, साउथ की मूवीज़ हमें अच्छा खासा देती हैं, हमें मज़ा देती हैं, हमें जो चाहिए होता है वही देती हैं। कार्तिकेय 2 हमें एडवेंचर का मज़ा देती है, जो कि उस ज़माने में हमें ले जाती है जिस ज़माने में हमारे कृष्ण जी थे, वहाँ का एक्सप्लोर देती है, हमें वो ऐतिहासिक चीज़ें दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। फिर आती है सीतारामम, जो ऐसी लव स्टोरी है जो 80 के ज़माने की चलती है, उस लॉजिक को लेकर ऐसा चलती है कि भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। तो वो बात ऐसी होती है कि हमें जो भी मिलता है वो फ्रेश मिलता है, तगड़ा मिलता है, ये लॉजिक होता है साउथ की मूवीज का। लेकिन बॉलीवुड का मतलब ये होता है कि भाई साहब जो मिले चिपका दो, क्योंकि थिएटर तो हमारे नाम या हमारे बंदों के काम से चल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए भाई साहब, वो जमाना गया जब मूवीज सलमान खान या आमिर खान के चेहरे से चलती थी। अभी जमाना वो है कि जिस मूवी का लॉजिक अच्छा है मूवी वही काम करने वाली है। तो भाई साहब ये बात मान लें कि हम भाई साहब मूवीज जो साउथ इंडस्ट्रीज की मूवीज हैं वो ज़्यादा बेटर होती जा रही हैं। अगर हम कंपेरिजन करते हैं कार्तिकेय 2 और सीतारामम में, तो हम दोनों मूवीज़ देख सकते हैं आराम से, क्योंकि एक मूवीज़ हमारी लव स्टोरी जो हमारे माइंड फ्रेशनर का काम करती है और दूसरी हमें एडवेंचर का मज़ा देती है। तो दोनों का जो बेस है वो अलग है, बट मूवी हमें अच्छा मज़ा देती हैं ऐसी मूवीज़ जो कि नए एकदम तगड़ा तगड़ा ताज़ा माल होता है। लेकिन अगर आप हमें उस ज़माने की चीज़ें पकड़ाओगे जिस ज़माने में रक्षाबंधन जैसी मूवीज़ हम कल भी रोए थे और आज भी रोएंगे, तो हमेशा मतलब इमोशन से खेल के आप पैसे नहीं कमा सकते हो भाई साहब, कोई भी नहीं जाएगा देखने, क्योंकि उसे पता है कि ये देख के वो दहेज का मतलब पे कल भी रोया था आज भी रोएगा। सिंपल सा फंडा भाई साहब, नया माल चाहिए हमको, नया माल दो, पैसे कमाओ, सीधा बात है। साउथ की मूवीज़ वही कर रही है, दोनों मूवी यार सभी भाषाओं के साथ हिंदी में भी रिलीज़ होती हैं और तगड़ा मज़ा देती हैं हमको। तो बात सिंपल सी भाई साहब, हमें मज़ा चाहिए और कुछ नहीं। तो ज़रूर बताना आपके दोनों मूवीज़ में कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, कार्तिकेय 2 या सीतारामम। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई आपके लिए ऐसा तगड़ा जोश वाला रिव्यूज़ लाता रहेगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।